नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज आनंद, एडिशनल डायरेक्टर फोर्टिस हॉस्पिटल इंटरनल मेडिसिन। देखिए, वज़न घटाना या कंट्रोल में रखना आई थिंक हम सब की कभी ना कभी जीवन में इच्छा रहती है। आजकल के ज़माने में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आ रही है, कंफ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन है कि कैसे बहुत जल्दी वेट लूज करें, एंड मैनी ऑफ दीज टाइम्स दिस इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट करेक्ट। कई बार ये हेल्दी भी नहीं होती। तो आज मैं आपको 5 स्टेप्स आपके साथ शेयर करूंगा जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई किए हैं, अपने पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई किए हैं, जिन्होंने 100% सक्सेस से पेशेंट का वेट तो निश्चित तौर पे कम किया है। देखिए, वी हैव टू रियलाइज कि मोटापा एक लिमिट के बाद एक बीमारी है। तो जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या कोई भी बीमारी होती है, ये इसका एक कारण नहीं होता, ये मल्टीफैक्टोरियल होती है। ये इस पर डिपेंड करता है कि आपके जेनेटिक्स कैसे हैं, आपकी रेस क्या है, आपका सेक्स क्या है, आप क्या खाते हैं, आप क्या एक्सरसाइज करते हैं, आपकी मनःस्थिति क्या है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसके सारे कारण हम कोशिश करें कंट्रोल करने की, अगर हम वजन कम करने की सोचते हैं। और मैं सिर्फ 5 इम्पॉर्टेंट वेज बताऊंगा जिससे आप वजन निश्चित तौर पे कंट्रोल कर सकेंगे। मात्रा अलग अलग हो सकती है पर्सन से। सबसे पहला स्टेप है नो एडेड शुगर। अपने खाने में ऊपरी चीनी डालना बंद कर दीजिए। क्यों? देखिए, ये याद रखिए कि आप जब भी ऊपरी चीनी डालते हैं, आप डिसाइड करते हैं कि कितना मीठा हो। मेरा सजेशन है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग, यानी जैसे चीनी है या कोई भी स्वीटनर है, इसके बदले आप मीठा खाना चाहते हैं तो नेचुरल शुगर लीजिए, जैसे फ्रूट्स। फ्रूट में कभी भी आप चीनी एक्सेसिव डाल ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो प्रकृति ने दी है, वो प्राकृतिक रूप में उपलब्ध है। बनस्पत इसके अगर आप ऊपर से चीनी डालेंगे, आपका मूड हुआ, आपका मूड खराब हुआ, आप यू विल ऑलवेज एंड अप पुटिंग इन मोर शुगर। दूसरा, नेचुरल शुगर कभी भी आपको मात्रा उसकी पता होती है, लेकिन जो आर्टिफिशियल शुगर आती हैं या आर्टिफिशियल चीज़ है, जैसे मिठाई है, कैंडी है, चॉकलेट है, उसमें बहुत सारी, इनफैक्ट इवन नमकीन में बहुत सारी हिडन शुगर होती है। अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं, कोई सुक्रोज बोल देते हैं, फ्रक्टोज बोल देते हैं, इन्वर्ट शुगर बोल देते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे ये सिर्फ छिपाने के तरीके हैं। बहुत सारी छिपी चीनी आपके मेरे अंदर जाती है इन परिष्कृत यानी प्रोसेस्ड स्वीट्स के थ्रू। सो ऑलवेज अगर आप मीठा खाना चाहते हैं, बहुत क्रेविंग है, तो एक फ्रूट खाइए, नेचुरल फॉर्म में फ्रूट खाइए। क्या आप और मैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ले सकते हैं? मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। देखिए, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी बेसिकली वही कार्य कर रहे हैं जो चीनी करती है, बस कैलोरी नहीं होती। आपकी शुगर क्रेविंग को कवर करने का तरीका है आर्टिफिशियल स्वीटनर, और इससे आपकी क्रेविंग आगे बढ़ेगी और आपका कंट्रोल ओवर होगा। सेकेंडली, अभी एक पेपर आया है, इसमें ये क्लियरली कहा गया है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डायबिटीज, कैंसर वगैरह को प्रमोट करते हैं। सो प्लीज़ उनको अवॉइड कीजिए। कमिंग टू स्टेप 2, जैसा मैंने फर्स्ट में भी कवर किया, अवॉइड ऑल प्रोसेस्ड सीरियल्स, ऑल प्रोसेस्ड फूड। तो जहाँ तक ये प्रोसेस्ड फूड आता है, जैसे ब्रेड है, वाइट राइस है, केक है, इन सब की प्रॉब्लम ये होती है, ये एडिक्टिव होते हैं और आप एक बार खाने लगेंगे तो खाए जाएंगे। सेकेंडली, इनमें बहुत सारी आर्टिफिशियल चीज़ें पड़ी होती हैं जो आपको पता ही नहीं चलती, आप ले लेते हैं, एंड इनमें फाइबर लगभग जीरो होता है, एंड दिस एक्चुअली प्लेज हैवॉक विथ योर सिस्टम, मेक्स यू फैट, क्रिएट्स इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड क्रिएट्स बहुत सारी बीमारियां। स्टेप 3, प्रोटीन। देखिए, अराउंड 1.5 to 2 grams पर किलोग्राम बॉडी वेट प्रोटीन आपके मेरे लिए असेंशियल है। प्रोटीन सबसे बड़ा काम यह करता है कि आप थोड़ा भी प्रोटीन खाते हैं तो आपके पेट को भर देता है, आपकी और खाने की इच्छा कम कर देता है। तो अगर इफ यू आर फीलिंग हंग्री, प्रोटीन खाइए। प्रोटीन उतनी कैलोरीज नहीं देगा, आपके पेट को फुल करेगा, और ऑफ कोर्स प्रोटीन के बिना आप और मैं लंबे समय तक नहीं जी सकते। प्रोटीन हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स हैं। सो प्रोटीन
एंड मेरे जैसे वेजिटेरियन के लिए प्रोटीन लेना आसान तो नहीं है, लेकिन देर आर इनोवेटिव वेज, दालें हैं, चने हैं, छोले हैं, कुछ हद तक पनीर है एंड आजकल टोफू है, बहुत सारी रिसर्च हो रही है वेजिटेरियन प्रोटीन्स में, सो प्लीज़ ये ध्यान रखिए। पांचवा पॉइंट है, जितना नेचुरल फॉर्म में खाना खाएंगे उतने आप सुखी रहेंगे। प्रकृति ने अपनी पैकेजिंग की है, तो एक सेब जब आप खा रहे हैं प्लीज़ उसको काटिए मत, उसको ऐसे की ऐसे चबा के खा लीजिए, इससे उसका ऑक्सीडेशन कम होगा और उसका पूरा फाइबर आपके बॉडी में जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आप कभी भी नेचुरल फॉर्म में उपलब्ध तरीका, भले फल हो सब्जी हो, वो ओवर ईट कर ही नहीं सकते। आप बताइए, क्या आप 8 या 10 सेब एक साथ खा सकते हैं? नहीं ना, लेकिन आप 8 या 10 सेबों का रस आसानी से पी लेंगे, इसलिए नेचुरल रहिए। दूसरा, आपका मेरा सिस्टम बाय जेनेटिक्स बाय नेचर प्रोग्रामड है इस नेचुरल खाने को पचाने, डाइजेस्ट करने, यूज करने के लिए। जब हमारे शरीर को प्रोसेस फूड मिलता है तो हमारे शरीर को समझ नहीं आता वो क्या करे, तो उसका पूरा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाता है। सो प्लीज ट्राई टू बी एज नेचुरल एज इज पॉसिबल। एंड लास्टली, जो आजकल बहुत सुना जा रहा है, किया जा रहा है, मैं भी करता हूं, भोजन और फास्टिंग का बैलेंस इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी आप कुछ खाते हैं तो आप अपने शरीर में कैलोरी लेते हैं, कैलोरी स्टोर करते हैं, मोटापे की तरफ बढ़ते हैं। जब भी आप नहीं खाते तो उस स्टोर्ड कैलोरी को आप एक लिमिट के बाद यूटिलाइज करते हैं, तो जितना बड़ा पीरियड नहीं खाने का होगा उतना ज़्यादा आपका कैलोरी यूटिलाइजेशन होगा। इसलिए मेरा सजेशन है कि प्लीज़ अपना जो फास्टिंग लेवल है, देखिए वैसे भी हम 8, 9, 10 बजे के बाद अगले दिन सुबह तक कुछ नहीं खाते, तो इस फास्टिंग समय को धीरे धीरे बढ़ाइए। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्लियर कट स्टडीज में प्रूव हो चुकी है, व्रत आप और हम, हमारे पुरखे करते आए हैं, प्रूवन है, कैंसर से बचाता है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मोटापे से बचाता है। तो आप अगर फिट, स्लिम, हेल्दी रहना चाहते हैं तो सिर्फ इन 5 पॉइंट्स को अगले 3 महीने बिल्कुल जैसा मैंने कहा है फॉलो कीजिए एंड फिर मुझे बताइए अगर आपका वजन कम नहीं होता तो। थैंक यू।